सर, मेरा नाम गुलाम हसन खान है। मैं VDC चेयरमैन बड़गाम हूँ और लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी तरफ से मेरे जम्मू कश्मीर के आवाम को नए साल का मुबारक। हमारा कैलेंडर दो कैलेंडर हैं, एक इस्लामी कैलेंडर, एक हमारा ये राइज शुक्र कैलेंडर है। तो इसके लिहाज से मेरी तरफ से पूरे आवाम को मुबारक और दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह, मेरे खुदा मेरे मुल्क में और मेरी रियासत में अमन लाओ और इस वबाई बीमारी से हमें निजात दिलाओ। नंबर दो, कश्मीर जो बहुत देर से 2018 से 19 से बिल्कुल साइलेंट बैठा था, इस 2020 में 3 टायर कंप्लीट हो गए प्रोसेस। BDC के इलेक्शन हो गए, DDC के इलेक्शन हो गए। आज डेवलपमेंट के लिए पाँच से लेकर DDC तक हमारा जो ये फॉर्म है ये सारा तैयार है। ये हमने डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर के लिए पाया है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को मुबारकबाद करता हूँ। हमारे LG साहब जो इस वक्त है उसको मुबारकबाद करता हूँ। सर, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ लोकल बॉडी पंच सरपंच एसोसिएशन का JNK में और BDC चेयरमैन बड़गाम भी हूँ। तो बहुत कुछ इकोनॉमिकली तौर हमने बहुत कुछ खोया सर, क्योंकि 5-6 महीने ऐसे गुजरे जहाँ मेरे लोगों ने मजदूरी भी नहीं कर सके या किसी तरफ से हमारी डेवलपमेंट काम नहीं हो सके, क्योंकि कोविड है। बीच में हमारी डेवलपमेंट काम भी रुकनी पड़ी क्योंकि उस पर भी हमारे मजदूर लगाने थे, उनको एहतियात के तौर पर 2-4-5 मजदूर इकट्ठे नहीं होते थे। खोया हमने बहुत कुछ। इकॉनमी तो हम वापस लाएंगे, मेहनत करेंगे दोबारा वापस लाएंगे, लेकिन जो लोग हमने खोए उसका बड़ा खेद है। बड़े नौजवान लड़के लड़कियाँ बूढ़े हमारे माँ बाप जितने भी थे, बहुत कुछ लोग बहुत कुछ हमने खोया, उसका मुझे खेद है। लेकिन खुदा से मुझे उम्मीद है कि उसका वैक्सीन आ गया तो लगता है कि इंशाल्लाह आगे हम इस वबाई से निजात पाएंगे। खोया इतना ही हमें कि इकॉनमी जो हमने खोई उसको हम वापस लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नए साल का मेरी तरफ से मुबारक है सब उनको। पहली मेरी मैसेज है कि चलिए अमन से रहें। मैं अपने मुल्क से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हम हमसाए मुल्कों के साथ अमन की बातचीत शुरू करें, हम अमन से रहें। अगर अमन है तो हम साग के साथ खाना खाएंगे, पुराने कपड़े पहनेंगे, लेकिन इतना दिल में रहेगा कि मैं घर में शांति से रह सकूंगा। नंबर एक बात कि जो पूरा दुनिया इस वक्त अशांत है, चारों तरफ से अफरा तफरी है, खुदा करे मेरे मुल्क में ये अशांति न रहे, मेरे हमसाए में अशांति न रहे। सबसे बड़ी बात है कि मैं अमन के लिए